कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप से रोहतास जिला का दरीहट गांव कराह रहा है। इस गांव में पिछले एक महीने में कोरोना वायरस की वजह से 80 से 90 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर लोगों की मौत कोरोना वायरस से ही हुई है। मौत से पहले गांव के लोगों को सर्दी, खांसी और तेज बुखार की समस्या आई थी। हालांकि इतनी ज्यादा संख्या में लोगों की संदिग्ध मौत होने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग से एक भी टीम गांव में जायजा लेने के लिए नहीं आ रही है। वहीं विज्ञान का सहारा नहीं मिलने पर गांव के लोग थक हार कर पूजा पाठ, हरि कीर्तन और यज्ञ कर रहे हैं। दरीहट गांव के लोगों को लगता है कि पूजा पाठ से गांव पर आई इस दैविक प्रकोप को खत्म किया जा सकता है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि पूजा पाठ, हरि कीर्तन से गांव पर आया विघ्न खत्म हो जाएगा। गांव की शांति खाती है। का होता कि गांव में हुआ, अभी तत्काल में 55 आदमी से मर गया। काहे, कैसे मर गया 55 आदमी? कोई बुखार से मरलन, कोई ऑक्सीजन बिना मरलन, कोई कुछ से मरलन, नाना प्रकार के विघ्न से मौत हो जाएगी। तो काला तो पूजा पाठ करे से ठीक हो जाए? अब यहाँ के जो कृपा हो तो जरूर ठीक हो जाए। जी तो कब से हर कीर्तन चलता? मेरे वह कल से शुरू हुई, आज 7:15 बजे खत्म हो गया। अखंड दीप भी जलाता का? अखंड दीप यहाँ के लिए नहीं होता। का नाम? रोहतास जिले के डिहरी प्रखंड के दरीहट गांव में 5000 से ज्यादा लोग रहते हैं। अभी भी इस गांव के हर घर में कोई न कोई शख्स बीमार चल रहा है। अभी भी ज्यादातर लोगों को सर्दी, खांसी, गले का दर्द और सांस लेने में परेशानी हो रही है। यहां तक कि गांव की मुखिया सुष्मिता देवी की मौत सर्दी, खांसी और बुखार से ही हुई थी। लेकिन गाँव में हो रहे इतने लोगों की संदिग्ध मौत के बावजूद अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा हुआ है। इस अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य कर्मियों को डिहरी और सासाराम के कोविड हेल्थ सेंटर में तैनात कर दिया गया है। वहीं कोरोना के प्रकोप के बीच गांव वालों को उनकी किस्मत पर छोड़ दिया गया है। गांव के लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से ना तो मास्क दिया जा रहा है और ना ही टीकाकरण करवाया जा रहा है। अपने गांव में 70-80-90 के करीब मृत्यु हो चुकी है। बहुत भयावह स्थिति है। कोई यहां टेस्ट नहीं हो रहा है कोरोना का, ना कोई छिड़काव हो रहा है, ना मास्क वितरण हो रहा है। और यहां पर हम लोग भगवान भरोसे हैं, काली माई का अखंड ज्योति दीप जला रहे हैं हम लोग। और क्या करें, कहीं भी मास्क का ये सब, कहीं भी कोई टीकाकरण, कहीं स्वास्थ्य केंद्र बंद है ना। अब 70-80 लोगों की मौत हो गई है। अब स्वास्थ्य विभाग से लेकर बड़े अधिकारियों के पास आप लोग फोन लगाते हैं सर, लगता नहीं है। कभी कंप्लेंट नहीं की है? कंप्लेंट नहीं हुआ है, फोन नहीं लगता है, तो क्या करें। हम लोग जाने से ऑफिस वगैरह सब बंद है, इसलिए जा नहीं सकते हम लोग, है ना। भगवान भरोसे हम लोग दरहेट पंचायत में जी रहे हैं। मैं आप लोग गांव में हर कीर्तन भी कराए हैं? जी, अखंड ज्योति दीप प्रज्वलित कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग में। और हम लोग भगवान भरोसे हैं कि कम से कम माँ जो है, काली माँ जो है, हम लोग का जीवन रक्षा कर। क्या प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भरोसा उठ गया है? हाँ, ये लोग उठ गया है। ये लोग प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से भरोसा उठ गया है। अभी तक प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम आपके गांव में आई है कि नहीं? नहीं आई है, नहीं आई है। जाँच वाँच हुआ है कि नहीं कोरोना का? नहीं, जाँच नहीं हुआ। तो अभी कोरोना से इतने लोगों की मृत्यु हो गई? जी, कोई टेस्ट वगैरह नहीं है। कैसे मृत्यु हुई, क्या न हुई, टेस्ट होता तब न पता चलता कि हाँ कोरोना से भी है। गांव के लोगों का कहना है कि ज्यादातर लोग सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित हैं। गांव के लोग बता रहे हैं कि 80 से 90 लोगों की मौत हो चुकी है। 80-90 लोग मर गए हैं, उसका अब कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो कैसे बता जाए कि मामला क्या है। लेकिन जनरली तो लोग खांसी बुखार सब पीड़ित है, अधिकांश लोग तो इसी केस से है। जी, क्या कोरोना का टेस्ट नहीं होता आपके गांव में? टेस्ट वेस्ट कहाँ हो रहा है, ना टेस्ट हो रहा है, ना छिड़काव हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। प्रशासनिक मदद भी नहीं है, मास्क, सैनिटाइजर, मास्क सब सरकार दे रही है, पता नहीं सब खा जा रहा है सब। अब तक आपके गांव में कितने लोगों की मौत हो चुकी है? 80-90 लोग लमसम में है, 80-90 लोग हैं। तो कभी इतना मौत हो गया, आप लोग ने कभी स्वास्थ्य विभाग या कभी जिला प्रशासन को? सब तो बंद रहता है, ताला बंद रहता है। जाकर देखिए, अभी स्वास्थ्य विभाग में जाकर देखिए आप, ताला बंद रहता है वहाँ। कोई ये भी नहीं करता है किस वजह के दिए।
तलाश बात करेंगे आप। जिला में स्वास्थ्य विभाग टीम को सूचना है। एक ग्रामीण ने बताया कि घर घर में लोग बीमार पड़े हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम एक बार भी गांव में नहीं आई। स्थिति चल रही है, करीब करीब यहाँ आपको बता रहे हैं 80 से 90 लोग मर चुके हैं। कारण क्या है मरने का? कारण यही सर्दी बुखार, और चेक ही नहीं हो रहा है, मैंने कोई व्यवस्था नहीं है, चेक लोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कोरोना का टेस्ट नहीं है, सर्दी बुखार से लोग पीड़ित हैं। सर्दी बुखार से पीड़ित घर घर में एकदम मतलब कि लगा हुआ है, मैंने हर घर में मतलब कि आपको मतलब मिल जाएगा ना, लेकिन कोई यहाँ पर नहीं। सब कुछ स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी कि नहीं आपके गांव में कोरोना का टेस्ट करने के लिए? जी नहीं, एक बार भी नहीं आई हुई है, एक बार भी नहीं आई है। कोई यहाँ पर कोई कह दे, कोई भी अगर यहाँ के कोई जनता कराकर कह दे तो एक बार भी आई भी नहीं की है। सभी लोग बुखार से पीड़ित हैं? सर, सारे लोग बुखार से पीड़ित हैं। तो आप लोग इलाज कहाँ कराने जाते होंगे? यही जाते हैं, ये मेडिकल पर जाते हैं, इसे दवाइयाँ लेकर के और मतलब इसी को मर खा कर। आपके यहाँ स्वास्थ्य विभाग है कि नहीं? स्वास्थ्य केंद्र है। हाँ, तो वहाँ नहीं जाते आप लोग इलाज कराने? अरे वहाँ क्या जाएंगे, वहाँ पर तो ताला लटके हुए बंद रहता है, किसी से बात करेंगे वहाँ पर? वहीं डिहरी PHC के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अवनीश कुमार चौधरी ने गांव में लोगों की मौत होने पर अपना पल्ला झाड़ लिया है। चौधरी ने बताया कि उन्हें 80 से 90 लोगों की मौत की कोई सूचना नहीं दी गई है। एक ग्रामीण क्षेत्र में टेस्ट भी किया जा रहा है, दरियट के ग्रामीणों का आरोप है कि वहाँ टेस्ट नहीं हो रहा है। टेस्ट के लिए तो एनएम को भेजा जाता है, जो कह रहे हैं कि नहीं है तो वहाँ पुनः करवाते हैं। वहाँ अभी तक 80 से 90 लोग मर चुके हैं संदिग्ध स्थिति में, लोग कहने का हर घर खांसी बुखार हुआ है। तो इतने सारे लोग की मृत्यु होने की हमें सूचना तो प्राप्त नहीं है, और अगर सर्दी खांसी बुखार हो रहा है तो इसका एक हमें लिखित सूचना देते हैं, या ऐसे भी मौखिक रूप से भी कोई भी तो आकर के कहते हैं कि ऐसी ऐसी हालात में वहाँ कुछ ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग फोन करते हैं, कोई स्वास्थ्य विभाग के कर्मी फोन नहीं उठाते हैं, उनके अधिकारी फोन नहीं उठाते, उनका नंबर दिया जाए, फोन नहीं उठाना। क्या नाम है सर आपका? रोहतास के DM और सिविल सर्जन को दरीहाट गांव का जायजा लेना चाहिए और गांव के हर परिवार का कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि अब जरा सी भी लापरवाही से गांव के लोगों की जान मुश्किल में पड़ जाएगी। दरीहाट गांव में जल्द से जल्द मेडिकल टीम को भेजा जाना चाहिए ताकि गांव के लोगों को कोरोना के कहर से बचाया जा सके। पंजाब केसरी TV के लिए रोहतास से रंजन सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।